यो व्हाट इज अप गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी 10i 5G के साथ कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट 5G का। तो अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि भाई सेल लगने वाली है। जैसे कि आपको पता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर जनवरी की हमारी जो रिपब्लिक डे सेल है, तो उसमें आपको किस तरह फ़ायदा मिलेगा और आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर आपको कोई भी मतलब डाउट है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आप सोच के इस फ़ोन को डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा फ़ोन आपने किस वेबसाइट से लेना है, यानी कि फ्लिपकार्ट से लेना है या अमेजोन से लेना है, कहाँ से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर इन दोनों फ़ोन में से कोई लेना चाहते हो। अगर आपका बजट कुछ और है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम उस बजट के बारे में भी जो टॉप बेस्ट फ़ोन होंगे उनका कंपैरिजन करेंगे और आपको ऑप्शन देंगे, एक सोचने का मौका देंगे। खरीदना आप नहीं है, बट एक थोड़ी सी बात होती है कि थोड़ी सी नॉलेज आपको जितनी मेरे को मिली है उतनी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो स्मार्टफोन गैजेट्स हैं साथ में लैपटॉप वगैरह और भी बहुत से एक्सेसरीज हैं और यूट्यूब के जितने भी गैजेट्स होते हैं उनका हम रिव्यू करते रहते हैं, साथ में अनबॉक्सिंग भी बहुत सी वीडियो आपको मिल जाती हैं, तो दबा दो लाइक बटन। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि आपको कौन कौन सा फ़ोन कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तो जो मी 10i है, एक तो आपको अमेजोन पर मिल जा रहा है जो इसका 8GB रैम वाला 128GB स्टोरेज वाला मॉडल है, ये मिल रहा है भाई 23,999 रुपये का। ये मिल जा रहा है आपको अमेजोन पे और साथ में मिल जा रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, लगभग सेम ही प्राइस है 23,980 रुपये, मतलब लगभग सेम प्राइस है 24,000 रुपये के आसपास आपको मिल जा रहा है। उसके अलावा बात की जाए वन प्लस नोट की, जो कि 5G ही है, 8GB और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल जो है इसका, वो आपको मिल रहा है 27,999 यानी 28,000 रुपये में। ये आपको फ्लिपकार्ट से नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात, अभी ये सिर्फ आपको अमेजोन पर ही मिल रहा है जो नेवल सेटल है हमारा वन प्लस नोट। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं हम सबसे पहले MI 10i, और आपको मैं एक चीज़ पहले बता देना चाहूँगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो भाई, देख रहे हो ये हमारे पास है, ये वन प्लस 7 प्रो है और इसको मैं लगभग 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं वन प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वन प्लस कहने की। बट ध्यान रखिएगा ये जो नोट है ये इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ये भी चीज़ आपको बताता हूँ। 5G है मैं मानता हूँ, काफ़ी अच्छा होगा वो भी मैं मानता हूँ, अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे, बट मैंने जितने भी अभी रिव्यूज़ देखे हैं इसके और जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके मुकाबले भी नहीं है, वन प्लस 7 प्रो के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आज भी अगर आप इसका कंपेरिजन से कर दोगे तो भाई उसकी ना वीडियो जो क्वालिटी है जो बनाता है वीडियो वो उस मुकाबले की है, ना उसकी डिस्प्ले इसके मुकाबले की है। तो मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हो एक बजट फ़ोन तो आप नोट की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपको लगभग 28,000 रुपये का मिल रहा है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बजट वाले हो तो भाई इसको भूल जाओ, क्योंकि 28,000 रुपये कोई बजट वाले का नहीं होता, महंगा पड़ रहा है आपको। और अगर आप चाहते हो एक प्रीमियम फ़ोन फिर तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि भाई 20,000 रुपये के आसपास आपको बहुत अच्छा फ़ोन मिले तो आप भाई मी 10i ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अभी मिल रहा है आपको 24,000 रुपये का, जो अभी की आज मतलब कि 18 जनवरी है 2021 और मैं आपको अभी वीडियो दिखा रहा हूँ, जो सेल लगेगी उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा ये सस्ता मिले। उसके अलावा अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तब आपने खरीदना है 20 से 23 जनवरी के बीच में अमेजोन से, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। वो लगभग जो 10% डिस्काउंट होगा 1500 से 2000 रुपये के आसपास हो जाएगा, तो आपको ये फ़ोन जो है मी 10i लगभग 20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा अमेजोन से। अगर आपके पास भाई HDFC का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, यहाँ पर जो है SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए, और अगर आपके पास HDFC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तब आप इसको लीजिए भाई यहाँ से, कहाँ से, फ्लिपकार्ट से, क्योंकि यहाँ पर आपको भाई HDFC का जो सेल चलेगी उसमें कार्ड जो है उस पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो हो गई भाई कहाँ से लें, अब बात होती है कि कौन सा लें और क्यों लें। अब इसमें भाई 108 MP का कैमरा है, और उसकी बात करें हम वन प्लस की तो उसमें 48 MP कैमरा है। जो लोगों ने कैमरा से कंपेरिजन किए हैं मैंने वो सब चेक किए, भाई कैमरा वो बात दोनों में ही नहीं है अगर असल चीज़ बताऊँ जो कि होनी चाहिए थी, बट फिर भी उसके सब कंपैरिजन के मुकाबले जो मी 10i है उसका कैमरा नोट से काफ़ी चीज़ों में अच्छा है, यानी कि आपको कम पैसे में अच्छा मटेरियल मिल जा रहा है। उसके अलावा आप एक चीज़ और भी समझ लीजिए
कि यहाँ पर मैंने 8 GB और 128 GB वाला मॉडल लिया है। अगर आप चाहें, आपका बजट थोड़ा कम है और आपकी कोई स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको 128 8 GB रैम के साथ 128 चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास और भी मॉडल हैं जिसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ चल जाता है। तो भाई रैम मेरे हिसाब से अगर 6 GB के साथ आपको 128 मिल रही है तो सफिशियंट है, जो कि इसका 21,999 रुपये आपको अभी मिल रही है। सेल के दौरान हो सकता है आपको ये 21,000 रुपये ही मिल जाए और साथ में 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब 20,000 रुपये के आसपास आपको ये बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाने वाला है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोसेसर की। जो हमारा मी 10i है, यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 750G। और आपको अगर बात करें वन प्लस में, तो यहाँ पर आपको मिलता है प्रोसेसर 765G। तो प्रोसेसर में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, रेट में जरूर ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल जाता है, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आपको दोनों में अगर देखें कंपेरिजन करेंगे तो आपको इतना फ़र्क नॉर्मली मिलता है। बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है कई चीज़ों में। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ भाई वो वन प्लस है, बट अगर आप वन प्लस लेना चाहते हैं तो टॉप मॉडल लीजिए इसका, वहाँ पर चल रहा है जैसे कि 80 है वन प्लस का, 80 प्रो, तो फिर टॉप मॉडल में जो मज़ा आएगा भाई वो नोट में मज़ा नहीं आने वाला वो आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसकी जो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी इसमें 2K नहीं मिल रही है। आप देखोगे तो भाई ये 2K है, इसमें 2K है स्क्रीन, मतलब पूरा मज़ा आ जाता है। अगर आप कोई भी उसमें चीज़ देखोगे, गेम्स खेलोगे, तो आपको इसमें जो चीज़ दिखती है असल में वो होती नहीं है, इतनी अच्छी दिखती है इसमें, तो वो फ़र्क होता है। अगर आपने पैसे लगाना है फिर तो अच्छे से लगा लो, वरना आप बजट में जाना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे कम है तो थोड़ा बजट में जाना चाहते हो तो मी 10i, मैंने दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आपको दोनों ही लिंक दे दिए हैं, मी 10i का भी और नोट का भी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। बट मेरी मानिएगा तो अगर आपका बजट कम है तो मी 10i की तरफ जाइए, और अगर ज़्यादा है तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई वन प्लस एट्टी प्रो लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोड का मुझे इतना, मतलब ये बीच का फ़ोन है, मुझे कोई इतना नहीं जम रहा, ये चीज़ आपको बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ, बाकी मर्जी आपके भाई, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बात की जाए भाई डिस्प्ले की, तो भाई ये 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, फुल स्क्रीन डॉट डिस्प्ले कहते हैं इसे, 120 हर्ट्ज के अडेप्टिव सिंक्रोनाइजेशन रिफ्रेश रेट के साथ में। वहीं पर बात करें तो ये आप देख रहे हो इसकी जो है 6.44 इंचेस की 90 हर्ट्ज की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि आपको पिक्सल डेंसिटी होती है 408 PPI पिक्सल पर इंचेस, तो ये एमोलेड डिस्प्ले है, अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है भाई डिस्प्ले में, वो चाहे 120 हर्ट्ज की है, ये 90 हर्ट्ज की है, बट ये जो फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है ये बेटर है उस वाली से, क्योंकि मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी एमोलेड डिस्प्ले है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें भाई जो कैपेसिटिवनेस होती है, मतलब अच्छा ज़्यादा मज़ा आता है आपको, जो मतलब कहते हैं ना मक्खन से चलती है, इसकी भी 90 हर्ट्ज़ की है तो बहुत है इतनी 90 हर्ट्ज़ भाई। अभी आप सिर्फ गेम्स वगैरह का कोई स्पेशल बनेगी 90 हर्ट्ज़ की या 120 हर्ट्ज़ की, उसी में आपको कुछ अलग दिखेगा, अदरवाइज़ भाई जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो मैक्सिमम 60 FPS तक की होती हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई अलग से कोई मतलब मज़ा नहीं आने वाला, कोई पैसे मतलब वेस्ट करने वाला काम है, फ्यूचर प्रूफिंग का काम है। अगर आप फ्यूचर सोचते हो कि हाँ भाई मैंने आज से 3-4 साल तक यही फ़ोन रखना है, 5 साल तक ये फ़ोन रखना है, और फ्यूचर में कोई गेम्स आएंगी 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ की, तब आप ले सकते हो, जो बड़े अगर आप 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाली गेम्स लेना चाहते हो और मोबाइल लेना चाहते हो गेम्स खेलने के लिए तो रख सकते हो। उसके अलावा भाई जो फोटोज़ अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट आप और भी कंपैरिजन दे सकते हो, फोटोज़ भी देखोगे तो आपको मी 10i ही प्लस में दिखेगा, मी 10i की फ़ोटोज़ प्लस में दिखेंगी, और वन प्लस नोट की फ़ोटोज़ कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी लोगों ने बताया, काफ़ी लोगों के रिव्यू भी मैंने चेक किए हैं, और उसके बाद ही मैं ये कंपैरिजन कर दे रहा हूँ। जो जनता है जो जानना चाहती है कि भाई अभी उन्होंने ऐसा रिव्यू कोई देखा नहीं है और देखना चाहते हैं, तो मैं अभी सेल के पहले आपको बता दे रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा वन प्लस नोट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई मी में 10i में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस जो वीडियो क्वालिटी, अगर आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कोई एक अच्छा फ़ोन ले रहे हो तब भाई मी 10i इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है अभी तक, आने वाले टाइम में आ जाए तो अलग बात है, बट अभी तक तो नहीं थी जो मैंने अभी तक रिव्यू चेक किए हैं मी 10i में। जो वीडियो मतलब कि अगर आप एक स्टेबल रख के बनाते हो तो अच्छा है, बट अगर आप मूविंग करते हुए इधर उधर करते हुए कोई चीज़ या व्लॉगिंग वगैरह रिकॉर्ड करने चाहते हो तो उसके लिए भाई मी 10i मत खरीदिएगा।
तो कुल मिला के बस इतनी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके अलावा चार्जिंग का देखें तो उसमें भी 33 वाट की चार्जिंग है, उसमें 30 वाट की वायर चार्जिंग है। वन प्लस नोट में चार्जिंग भी लगभग सेम है, मतलब जितने भी फीचर्स हैं लगभग सिमिलर हैं, बट जो प्राइस का फ़र्क है और एक ब्रांड का फ़र्क है कि वो वन प्लस है। बट वन प्लस को भाई थोड़ी सी और मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए थी। कैमरा क्वालिटी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए भाई कोई भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, कोई भी फ़ोटो खींचनी है, तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। कि चाहे फ़ोन 10,000 रुपये का हो चाहे 15,000 रुपये का हो। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास पहले यूरेका प्लस था, यूरेका प्लस शायद आपको पता कि नहीं, तो उसकी भी कैमरा क्वालिटी भाई बहुत गजब की थी। 13 मेगापिक्सल का कैमरा था, 10 कैमरे नहीं थे उसके, एक ही कैमरा था 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और बहुत टॉप क्वालिटी का था। ऐसे ही मेरे पास रेडमी नोट 3 भी था, उसका भाई 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा था, उसकी भी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। तो जरूरी नहीं है कि 4-4 कैमरे दो, एक कैमरा दो कम से कम, अच्छा कैमरा दो, ताकि उससे हमारा जो काम है वो हो सके। सिर्फ दिखावेबाजी की तरफ ये आजकल जो कंपनियां बहुत जाने लगी हैं, 4-4, 5-5, 10-10 कैमरे दे देती हैं। करोगे क्या भाई, मेन एक कैमरा कम से कम अच्छा दो, जिससे जो हमारा काम है वो हो सके। अब जिसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो 10 कैमरे एक टाइम पे तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो एक कैमरा कम से कम अच्छा देना चाहिए उन्हें, ताकि हमारा जो काम है वो हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपने कौन सा मोबाइल लेना कौन सा नहीं लेना। बट अगर आपका बजट इससे भी कम है तो नीचे कमेंट करके बता दो, हम कोशिश करेंगे इससे भी जो सस्ते वाले हैं उनके बारे में वीडियो बनाने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। आने वाले टाइम में मैं इस तरह की और भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।